बुरनपुर तहसील क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या भारती द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह वरिष्ठ नेत्र सर्जन मऊ द्वारा कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नगद 1000 रुपया देकर पुरस्कृत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीता सिंह ने किया। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम और हमारा संगठन छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना करता है और जहां तक बन पड़ेगा हम हमेशा अपना सहयोग देने का काम करेंगे। विद्यालय के संरक्षक कैलाश नारायण सिंह कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर संस्कार की कार्यशाला है। आज के जमाने में बेहतर संस्कार की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों में मिलती है, जो भारत को पुनः जगत गुरु बनाने का संकल्प लेकर चल रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम सागर मौर्य ने बताया कि विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में संजय वर्मा, सौम्या राजगुप्ता, सांभवी यादव, अनमोल गुप्ता, हिमांशु सोनकर, शांति यादव, प्रखर पाठक सहित एक दर्जन से अधिक छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसे मुख्य अतिथि द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 की नगद राशि प्रदान की गई। इस मौके पर पूर्व प्राचार्य भगत सिंह, पूर्व प्रवक्ता हर्ष सेवक पांडे, मनमोहक श्रीवास्तव, ओम प्रकाश, राम के श्रृंखला सोनी, राधेश्याम सिंह, देवेंद्र सिंह, गिरजेश वर्मा, देवेंद्र देवानंद गिरी और अरविंद कुमार सिंह, इच्छांश पांडे सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। राम सागर, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर कोलसा, विद्या भारती द्वारा आयोजित जो है सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोलसा आजमगढ़ का आज वार्षिक परीक्षा फल वितरण था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह जी और अध्यक्ष के रूप में श्रीमती अनीता से परीक्षा फल का वितरण उनके निर्देशन में हुआ। विद्यालय के संरक्षक श्रीमान कैलाश नारायण सिंह के संयोजन में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जो भैया बहन क्लास 1 से 8 तक कक्षा में प्रथम स्थान लाए, मुख्य अतिथि द्वारा 1000 रुपये का छात्रवृत्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया और उनके तरफ से बच्चों के उज्ज्वलमय भविष्य की कामना की गई। मैं मुख्य अतिथि का हृदय से बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद। द्वितीय वालों के लिए भी मेडल दिया गया है और जो टॉप विद्यालय टॉप किए हैं उसके लिए शील्ड प्रदान की गई। इस प्रकार का आयोजन वर्ष के अंत में परीक्षा फल का वितरण होता है, लेकिन इस वर्ष छात्रवृत्ति का एक क्रम उसमें जुड़ा है। और छात्रवृत्ति से हम लोग यही सोच करके शुरू किए कि उनके अंदर एक उत्साह होगा कि हम भी ऐसा करें तो हमको भी यह पुरस्कार प्राप्त होगा, उनके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ेगी। यह मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कुमार सिंह द्वारा यह पूरा उन्हीं द्वारा यह एक ट्रस्ट है ना, देवी चंपा सिंह, इंद्रजीत सिंह, शिक्षा सेवा न्यास करके एक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से यह हर वर्ष बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। मैं कैलाश नारायण सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर कोयलसा के प्रबंध समिति का संरक्षक हूँ। वैसे ये विद्यालय मेरे द्वारा स्थापित किया गया है, इसके संस्थापक भी हूँ। आज अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर का वार्षिक परीक्षा फल वितरण 31 मई 2024 को किया गया, मार्च, जबकि ये कार्यक्रम तो हमेशा होता है, अंतिम दिन ही 31 मार्च को होता है, परंतु अब की बार विशेष बात यह थी कि एक ट्रस्ट बना है चंपा देवी इंद्रजीत सिंह स्मृति शिक्षा सेवा न्यास, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह जी हैं और उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह, मैं उसमें संयोजक हूँ। इन्हीं लोगों द्वारा ये जो परीक्षा फल वितरण में छात्रवृत्ति की योजना है वो वित्त पोषित है और इनके सहयोग से ये प्रतिवर्ष ऐसा होता रहेगा। विद्या भारती वास्तव में केवल शिक्षा नहीं देती है बल्कि संस्कार भी देती है।
और ये सच पूछिए तो जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन हैं, आदिवासी हैं, ऐसे बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, सब बच्चों को जोड़ते हुए और उन्हें मुफ्त की शिक्षा प्रदान करते हुए इस मंदिर में उनको हम ऊपर उठाकर इस समाज से एक समरस करते हुए एक संस्कारक्षम वातावरण में उन्हें हम पढ़ाते हैं, दिखाते हैं और वास्तव में वो भी हमारे समकक्ष आते जाते रहे हैं। ये संस्थान खेल के मामले में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मामले में भी बहुत उत्तम है और ये अपने प्रदेश स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भी यहाँ के विद्यार्थी खेल में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तथा कोई न कोई स्थान अवश्य पाते हैं। अब की बार भी एक छात्र को मिला जिसमें अब की बार उसके पुरस्कार दिया गया है। हम समझते हैं कि हम लोग जो समिति है वो समिति सदैव इस दिशा में काम करती रहती है कि और समीक्षा भी करती रहती है कि हमारे में क्या कमी है, हम क्यों नहीं इसको ठीक से खड़ा कर पा रहे हैं। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा इस विद्यालय का मुख्य ध्येय है और सच पूछें तो आज आवश्यकता भी है देश में। जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला हो रहा है, हम उसके सामने संस्कारयुक्त शिक्षा दे रहे हैं। ये विद्या भारती का, सरस्वती शिशु मंदिरों का काम है और ये हम काम करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे, हमेशा भी करते रहेंगे। और इस कार्य से हम ये समझते हैं कि ये छोटा सा जो बीज है वट वृक्ष का, वो एक दिन बहुत बड़ा विशाल बरगद बनेगा और सब लोग उसकी छाया में आएंगे और पूरा विश्व